अगर निकाह का पैगाम आ जाए तो पैगाम आने के बाद किसी दीनदार आदमी से मशवरा करना, ये भी सुन्नत है। बच्ची का पैगाम आ जाए तो इंसान लोगों से मशवरा कर लेता है, तो उस मशवरा करने के अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए, किससे मशवरा करे, किसी दीनदार आदमी से मशवरा करे जो दीन की सही समझ और फहम रखता हो। इसकी दलील फातिमा बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी बात पहले भी गुजरी, फरमाती हैं कि जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम से आगे पूछा कि मैं, मेरे पास दो रिश्ते आए हैं, मैं क्या करूं? तो रिश्ते आने की सूरत में दीन वालों से, दीन की समझ रखने वालों से रिश्ता पूछना, मशवरा करना, ये एक अच्छी बात है, ये सुन्नत है। और निकाह के मौके के ऊपर अगर कोई पूछने आए तो लड़के या लड़की का ऐब जाहिर करना ये गीबत नहीं। अगर उनकी आंखों का कोई मामला था, फरमाया कि ज़रा देख लो, तो इस तरह के अल्फाज कह देना और थोड़ा सा उसको वार्निंग, थोड़ा सा तंबीह कर देना, चेक कर ले वो, तो ये अच्छी बात हुआ करती है। निकाह का पैगाम खुद देना ये भी सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत का ये मतलब नहीं है कि कॉलेज के अंदर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पैगाम दे दें, कोर्ट मैरिज कर लें, वालदैन को बता दें जी परसों हमारा वलीमे आ जाइएगा। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि अबू सलमा की वफ़ात के बाद नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे रिश्ता निकाह दिया, मुझे पैगाम दिया। तो ख़ुद से पैगाम दे देना ये भी सुन्नत है, लेकिन बात यह कि हया, पाकदामनी और पर्दे की तमाम रियायतों के साथ हो, नफसानी शैतानी ख्वाहिशात ना हो, ख़ानदान की इज्जत को दाव लगाने वाली बात ना हो, बात जो भी हो अल्लाह के लिए हो। इसी तरह लड़की वालों का निकाह का पैगाम देना ये भी सुन्नत है। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि लड़की वाले बैठे रहते हैं कि लड़के कहीं से कोई लड़के वाले ही रिश्ता दें, ठीक है, मना नहीं, लेकिन लड़की वाले खुद भी कहीं पैगाम दे सकते हैं कि भाई मेरी बेटी है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से हो जाए। हमारे यहाँ इसको ऐब समझा जाता है, इसको तसव्वुर से भी बाहर ले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की वाला किसी के घर जाके कह दे ऐसा। हदीस सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शोहर हुनैस बिन हदावा से बेविवाह हो गई तो इनके वालिद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अन्हु से मुलाकात की, कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, वो खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी कहा कि आप शादी कर लें, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इनका पैगाम भेजा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि लड़की का वालिद भी किसी से कह सकता है, जैसे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सद हज़रत उस्मान गनी को भी कहा और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पैगाम दिया। तो बेटी का बाप होने की हैसियत में निकाह का पैगाम देना ये कोई गुनाह की बात नहीं, आए सुन्नत है।